किसान और दो घड़ों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह सुबह उठकर दूर नदी से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इसी वजह से रोज़ घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास डेढ़ घड़ा ही पानी बच जाता था। ऐसा होना नई बात नहीं थी। इसको 2 साल बीत चुके थे। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन की बात है, फूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी और उदास था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसने फैसला किया कि वह किसान से माफ़ी मांगेगा। घड़ा किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो किसान ने पूछा, भाई तुम किस बात से शर्मिंदा हो? छोटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते हैं, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी पहुँचाना चाहिए था, मैं सिर्फ उसका आधा ही पानी पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और बोला, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं है, चलो तुम्हारी उदासी दूर करते हैं। एक काम करना, कल जब तुम रास्ते से लौटो तो अपने गिरते पानी पर दुख करने के बजाय उस रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना, कितने खुशबूदार, कितने प्यारे, और साथ ही पास में छोटे छोटे पौधे को देखना। घड़े ने किसान की बातें मानने का फैसला किया। घड़ा रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ी कम हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, रास्ते में जितने भी फूल थे बस तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं देख रहा था। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। मैंने उसका लाभ उठाया, मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम थोड़ा थोड़ा करके बीजों को सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो ऐसे ना होते तो भला क्या मैं यह सब कुछ कर पाता?